श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि एक मैदान ऐसा भी है जहाँ पर लाखों संत सीताराम 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 कर रहे हैं, और अभी से नहीं कोटि युगों से। कोई भगवान का सच्चा भक्त होता है, केवल उसी को ही उनके दर्शन होते हैं। आज एक ऐसे ही भगवान के भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने साक्षात इन संतों के दर्शन किए। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। इसके साथ ही जो लोग गोकुल भवन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलता रहे। भक्त भगवान चरतावली से आज आपको एक ऐसे भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ जिनसे महाराज जी कई बार मिले। वो महाराज जी से मिलने आश्रम भी आते थे। जी हाँ, संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज फरमाते हैं कि अयोध्या में एक ठाकुर आते थे। वे विदेही के मंदिर में सरयू किनारे पर रहते थे, वहीं उनका कुछ परिचय था। वे सब देवी देवताओं को मानते थे, बड़े सीधे जीव थे, ना किसी से लेना ना किसी को देना, बहुत कम बोलते। अगर कोई उनको गाली दे या धक्का दे तो कहते थे, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, जैसा मन चाहता है कहते हो वह करते हो, भगवान तुम्हारा भला करे, और कुछ नहीं बोलते थे, चले जाते थे। उन्होंने मंत्र किसी से नहीं लिया था, परंतु उनको बड़े बड़े अनुभव होते थे। सभी देवी देवता उनको दर्शन दिया करते थे, उनसे बातचीत हुआ करती थी, कभी दिन में कभी रात में। कोई पहर खाली नहीं जाता था जब वो दर्शन ना करते हों। वह महाराज श्री के पास भी कभी 7 दिन में व कभी 15 दिन में आते थे। भोजन करते, देर तक बैठते, वहीं बातों की चर्चा होती रहती थी। महाराज जी बताते हैं कि एक बार वह माघ में कल्पवास में पैदल गए, वहाँ एक माह रहे, और वहीं से पैदल लौटे तो एक बड़ा सा मैदान दिखाई पड़ा, काफ़ी लंबा चौड़ा था। वहाँ जाते ही इनको एक अजीब आनंद की अनुभूति भी हुई। वो वहीं खड़े हो गए। कुछ देर में उनके कानों में सीताराम 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 की आवाज़ें होने लगी। वे सकपका गए। उन्होंने इधर उधर देखा, परंतु कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो चारों तरफ देखे, कोई तो दिखाई पड़ जाए जिससे पूछे आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। काफ़ी देर जब देखने के बाद वो कोई नहीं मिले तो मारे प्रेम के वो रोने लगे और दहाड़ मार मार के रोए। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि लाखों संत, जैसे उनका शरीर तपाया हुआ लोहा हो लाल रंग का, सब लाइन में बैठे हुए हैं। तब एक संत ने कहा, हम सब कोटि युगों से सीताराम 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 करते हैं, हमें न भूख है न प्यास है न नींद है न थकते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, सिर्फ लंगोटी लगाए थे। यही नहीं, सभी 10-12 वर्ष की उम्र के मालूम होते थे, न दाढ़ी थी न मूंछ था, बहुत छोटे बाल सर पर थे। 15 मिनट तक दर्शन हुए, सबकी साष्टांग दंडवत की, फिर वही दृष्टि गायब हो गई। उसमें से केवल एक ही संत बोल रहे थे, बाकी सब शांत थे। उनने कहा, तुम बड़े संस्कारी हो, तुमको भगवान 52 वर्ष की उम्र में साकेत में बुला लेंगे। जब वहाँ से आए तो पहले महाराज जी के पास ही आए और महाराज जी को
सारा हाल बताया। शाम को विदेही मंदिर गए। महाराज जी ने कहा, भगवान की लीला भगवान जाने, और कोई नहीं जान सकता। परमात्मा जितना जनावे उतने में विश्वास कर ले तो बस पार हो जाओगे। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड हैं, श्वास निकलते हैं फिर भगवान में समा जाते हैं, उनका हाल कोई जान नहीं सकता। हमें ऐसी बातें किसी न किसी से कभी नहीं बताई जैसा तुमने बताया है। बड़े बड़े सिद्ध मिले, तुम बहुत ऊंचे संस्कार के हो। और उनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उन संत ने कहा था। 52 वर्ष की उम्र में उनके भगवान ने उनको अपने साकेत धाम बुला लिया। बहुत ऊंची गति हुई उनकी, परमात्मा को प्राप्त किया। ऐसे कोटि में कोई एक भक्त होता है भगवान का, जिसको भगवान अपने धाम बुला लेते हैं। भाइयों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।